पुराना माने तो आपसे एक बात पूछूं? एक बात क्यों, आप हजार बातें पूछें। ये जॉब आपको कैसे मिली थी? ये जॉब मुझे ऐसे मिली थी कि एक रिक्रूटमेंट फर्म थी, उन्होंने मेरा सीवी सुल्तान साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। आप क्या जानते हैं उनके बारे में? कैसे शख्स हैं वो? अरे बहुत अच्छे इंसान है, तुम क्यों इतना पूछ रही हो? मैंने उनके माजी के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी। आपने उनके स्कैंडल्स के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ जाहिर है, वो एक सियासी खानदान से हैं और सियासत में आपके मुखालिफीन आपको बदनाम करने के लिए ऐसे स्कैंडल्स तो बनाते रहते हैं। उन पे उनकी बीवी और चचा को मर्डर करने का इल्जाम है। सुना है माजी में किसी लड़की को हरास करने का भी इल्जाम था। सब माजी की बातें हैं, तुम सोच सोच के क्यों परेशान हो रही हो? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि आप उनके पास जॉब करते हैं और काफी इंप्रेस भी हैं उनसे। उनकी शोहरत अच्छी नहीं है। वो एक स्कैंडल था और कुछ नहीं। देखो, उनके सियासी हरीफों ने ना उन्हें बदनाम करने के लिए एक बस स्टेशन की आम सी लड़की को हायर कर लिया था। उसने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन मैं सुल्तान साहब को जानता हूँ। सुल्तान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब है वो लड़की गलत थी। आप और क्या जानते हैं स्कैंडल के बारे में? कुछ खास नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे माशरे में बाकी सब माशरों की तरह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन पता है मुझे ऐसी लड़कियों से खास तौर पे बहुत नफरत है जो लाख दो लाख के पीछे अपना ईमान बेच देती है। मैं तो हमेशा ऐसी लड़कियों से दूर रहा, कभी चाहते ना चाहते भी उनसे बात नहीं कर पाया, और अल्लाह ताला मुझे दूर ही रखे उनसे। हारून, आप ये जॉब छोड़ दें। मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं सीरियस हूँ। आप ये जॉब छोड़ दें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या बोल रही हो, मैं क्यों छोड़ूं ये जॉब? आप खुद देखें ना, जब से आपने ये जॉब शुरू की है घर का माहौल कितना अजीब हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन लगता है तुम नाशुक्री कर रही हो अभी भी। आपको नजर नहीं आ रहा कि जब से आप ये जॉब कर रहे हैं हमारे बीच बहस हो रही है, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अजीब और गरीब किस्म का माहौल हुआ हुआ है। मम्मी ठीक कह रही थी मुझे, मैं उनसे लड़ रहा था कि मैं तुम्हें समझ चुका हूं, लेकिन नहीं, उनकी बात सही थी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। सियासी हरीफों ने उन्हें बदनाम करने के लिए पता है मुझे बस स्टेशन की आम सी लड़की को हायर कर लिया। उसे खास तौर पे बहुत नफरत है। अच्छी हमेशा ऐसी लड़की से, इसका मतलब है वो लड़की गलत है जो लाख दो लाख के पीछे अपना ईमान बेचना चाहते भी उनसे बात नहीं कर पाए, और अल्लाह ताला मुझे तबरी रखे। खुदा का वास्ते संभाल लो खुद को, वरना पागल हो जाओगी। नगीन, तुम्हारी हालत देख के सबको तशवीश हो रही होगी, पर हारून को जरा सा भी शक हो गया ना तो एक पल नहीं लगाएगा ये रिश्ता तोड़ने में। अगर तुम्हें अपनी इज्जत और बच्चे की जान प्यारी है तो खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो और सब काम। तुम्हें याद है ना
अरुण से शादी के वक्त तुमने वादा किया था कि अपने माजी का साया अपने हाल पे नहीं पड़ने दोगी। मैं बहुत बेबस हूँ आप ही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिन रात एक अजीब से खौफ में मुब्तला रहती हूँ, अपने बच्चे को खो देने का खौफ, इस घर को हारून को खो देने का खौफ। मेरे पास तो हारून के अलावा और कोई भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने हारून को खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा आप ही। वो इसीलिए वापस आया है। क्या कर लेगा वो ज्यादा से ज्यादा? सुल्तान बहुत खतरनाक है आप ही, अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने हारून को ये जॉब भी इसीलिए दी है, ये फ्लैट, ये गाड़ी, ये सब कुछ इसीलिए दिया है। वो हारून के जरिए मेरे करीब आना चाहता है। आप जानती हैं, जब से हारून की ये जॉब लगी हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। हम पहले कभी नहीं लड़ते थे, अब हर एक छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तुम दोनों के बीच की ये दूरियां सुल्तान दुरानी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने शक और पागलपन की वजह से। अपने दिल से हर तरह का खौफ निकाल दो। अगर सुल्तान ने तुम्हारे शौहर को कुछ बताना होता ना तो कब का बता चुका होता। अभी आप बहुत सादी हैं। आप घर से बाहर ही कब निकलती हैं? आप नहीं समझ रही। आप जानती तो हैं सुल्तान दुरानी को। मैं हारून को नहीं खोना चाहती, किसी कीमत पे नहीं। कुछ नहीं होगा नकी,